हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एमजे, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, आज वापस आपके साथ हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे लैक ऑफ मेडिक्लेम कैन मेक यू बैंक्रप्ट, हाउ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस कैन मेक यू बैंक्रप्ट एंड कैन ड्रेन योर सेविंग्स। कैसे अगर आपके पास मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी सेविंग्स कैसे जीरो हो सकती हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, यहां तक कि आप दिवालिया भी हो सकते हैं। मैं इस बात को आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, फर्ज करिए आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या एक बिजनेसमैन है या जो कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप अपनी आमदनी में से इफ़ यू आर सेविंग 20,000 रुपीज पर मंथ, या अगर आप अपनी कमाई का 20,000 रुपया हर महीने बचाते हैं, साल का आपने 20,000 के हिसाब से 2,40,000 बचाया, 3 साल में आपने 7,20,000 रुपये बचाए, और अगर यदि आप 10,000 रुपये के हिसाब से बचाते हैं अपनी सैलरी से, अपने बिजनेस से या जो कुछ भी आप गतिविधि करते हैं, तो आप साल का 1,20,000 रुपये बचाते हैं और 3 साल में आप 3,60,000 रुपये बचाते हैं। ये हो गई आपकी सेविंग। आप सोचते हैं कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करके रखी हुई है, आप 20,000 रुपये हर महीने बचा रहे हैं। ये मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का मैंने एग्जाम्पल लिया है। 3 साल में आपने 7,20,000 रुपीज या 7,20,000 रुपये 20,000 के हिसाब से बचाए। आप सोच रहे हैं आप सब कुछ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं अगर कोई छोटी मोटी मेडिकल इमरजेंसी आती तो आप उसको इजीली फाइट कर ले। मेरे दोस्त, आप इस बात को समझिए, हमने कोविड की फर्स्ट वेव को झेला, सेकेंड वेव को झेला, थर्ड वेव को झेला और फोर्थ वेव आने को है, कभी भी आ सकती है। यू डोंट नो, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। किस रूप में आया ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। फर्स्ट वेव के दौरान मुझे याद है जो एडमिशन्स हुए थे हॉस्पिटल्स में, एक एक बारी एडमिशन का 1-1.5 लाख रुपए मिनिमलिस्टिक वे में खर्च हो जा रहा था। आप 7 दिन के लिए एडमिट होते थे, 1.5 लाख खर्च हो जाता था। सेकेंड वेव में 1.5 लाख की जगह लोगों के 3-4 लाख खर्च होने शुरू हुए, क्योंकि हॉस्पिटल में जो टाइम था, जो पीरियड ऑफ टेन्योर ऑफ डेज था हॉस्पिटल में, वो बढ़ गया। 7 दिन से 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, कई तो महीनों थे। ऐसे समय में आपको एक बैकअप की जरूरत है। आप सेविंग करते रहिए, सेविंग को आप मत छेड़िए, मगर उसके ऊपर एक बैकअप आप रखिए। और वो बैकअप आपको इन सारी प्रॉब्लम्स से कैसे मिलता है, एक मेडिक्लेम पॉलिसी के रूप में ये बैकअप आपको मिलता है। मैंने जो आपको इनिशियली 2 एग्जाम्पल दिए, 20,000 रुपये बचाने वाला और 10,000 रुपये बचाने वाला, अगर आप 20,000 रुपये हर महीने बचा रहे हैं, 3 साल में आप 7,20,000 रुपये बचा रहे हैं, एक छोटे से हॉस्पिटल एडमिशन में आप मान के चलिए अगर कोई माइनर एलिमेंट होता है, किसी अच्छे हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट पे जाते हैं जहां पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जहां पे आपको अश्योर मेडिकल सर्विसेज बाय गुड प्रोफेशनल अटेंडेंस आप लेते हैं, जहां पे अच्छे प्रोफेशनल्स आपको मिलते हैं, मान के चलिए 1-1.5 लाख रुपए, तो बहुत ही आम बात है। तो साहब, आपने 20% अपनी कमाई का खो दिया, अपनी जमा पूंजी जो आपने बचाई थी वो एक हफ्ते में आपकी चली गई। अब एक इसी पे एक बात करते हैं, अगर इसी सिनारियो में आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ली होती साहब, तो वो मेडिक्लेम पॉलिसी अगर आपने फर्ज करिए 10 लाख रुपए की ली होती, प्रीमियम आता 10,000-15,000 रुपए, तो आपका काम जो है वो 20,000 रुपए में हो जाता, आप सिक्योर रहते और आपकी कितनी बचत होती। अगर 20,000 रुपया आप प्रीमियम दिए होते और मेडिक्लेम कवर आपके पास होता, तो आपका ये पैसा जो गया, ये तो एक एग्जाम्पल वाली बात थी, आप बच जाते उस खर्च को करने से और आपकी सेविंग्स भी सुरक्षित रहती, पीस ऑफ माइंड रहता और आप फिट एंड फाइन रहती। तो ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आज के इस अनसर्टेन दौर में मेडिक्लेम का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर प्रॉपर बैकअप नहीं है, आप सड़क पे आ सकते हैं, आप बर्बाद हो सकते हैं, आप दिवालिया हो सकते हैं।
तो दोस्तों आई विल एडवाइस यू टेक द राइट कवर फॉर योरसेल्फ। एक अच्छी कंपनी का मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए, अपने अपने लिए भी, अपने समस्त परिवार वासियों के लिए भी, और टेंशन फ्री रहिए, पीस ऑफ माइंड के साथ रहिए, अपनी जीवन को एंजॉय करिए, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ये तो था, मैं आपको समझाना चाहता था कैसे आपकी सेविंग्स खत्म हो सकती है, कैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ मेडिक्लेम पॉलिसी कैन ड्रेन योर सेविंग्स, कैसे अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो आपकी सेविंग्स जीरो हो सकती है। आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने लेवल ऑफ कवरेज तक आपको मेडिक्लेम लेना चाहिए, कितने अमाउंट का मेडिक्लेम कवरेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो टिल देन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो, बहुत सिंपल वीडियो, मैं आपको सिंपल वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया कि क्यों मेडिक्लेम होना चाहिए और कैसे आपकी सेविंग्स खत्म हो सकती है अगर नहीं होता है तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।